हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन ढाका में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चावल की रेसिपी। तो चावल तो सभी लोग बनाते हैं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और मैं आपको ये बताऊँगी कि बिल्कुल खिले खिले चावल बनाने के लिए ये चावल आप कैसे बनाएं, और आपकी सेहत के लिए भी ये चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी चावल लिया है। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे कि इनमें पानी डालेंगे और इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो पानी डाल के मैं इसको ऐसे हिलाते हुए और अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए, पानी डाल दिया है मैंने और इनको मैं धो देती हूँ। और धोने के बाद में इसका जो पानी है उसको मैं दो बार पानी डालूँगी और इनको धो दूँगी। तो ये देखिए, मैंने पानी को निकाल दिया है और चावल हमारे धुल गए हैं अच्छे से। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि साइड में नींबू रखे हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं नींबू के साथ बनाने वाली हूँ। ये नींबू जब हम डाल के चावल बनाएंगे तो चावल बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चावल बनाने के लिए मैंने गैस पे ये पतीला रखा है जिसमें मैंने पानी डाल रखा है, और पानी हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, गर्म पानी में जो चावल बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पानी को बॉईल करना होता है। बॉईल पानी में जो चावल बनते हैं वो गलते नहीं हैं। और इस बॉईल पानी में मैं डाल देती हूँ आधा नींबू। तो ये मैंने आधा नींबू डाल दिया है और इसको मैं हिला देती हूँ। अभी हमने जो चावल लिए थे, धो के रखे हुए हैं, वो चावल मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चावल को मैंने पहले से भिगो के नहीं रखा था, मैंने इंस्टेंट चावल धोए हैं और धोते ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये इंस्टेंट चावल जो बनाऊंगी मैं, ये बहुत ही जल्दी और फटाफट बन के तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। इसके अंदर हम डाल देते हैं नींबू। तो और फ्रेंड्स, अगर आप इसका पानी नहीं निकालना चाहते और आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घी डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने पानी लिया है, एक कटोरी मैंने चम्मच ली है, एक कटोरी मैंने चावल लिए हैं, तो चार कटोरी मैंने पानी लिया है। एक और चार का मैं रेशियो रखती हूँ हमेशा चावल में, ताकि हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो जाएं, बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो ये देखिए, मैंने हिलाते हुए इनको बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैं बीच में हिलाते हुए इनको देखती रहूँगी कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं। तो चावल अभी हमारे पके नहीं हैं, थोड़े कच्चे हैं, तो मैं इनको एक बार छोड़ देती हूँ फिर से बॉईल होने के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल जो हैं वो मैंने पकने के लिए छोड़े थे। तो एक बार देखा था बीच में तो नहीं पके थे, अभी देखिए मैं दोबारा से देख रही हूँ, दबा के देख लेती हूँ कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं। तो फ्रेंड्स, ये चावल हमारे पक गए हैं। अभी हमें क्या करना है, इसमें जो पानी और बच गया है उस पानी को हम निकाल देते हैं। तो पानी निकालने के लिए मैं इसके पतीले पे ये छलनी लगाऊंगी और इसको पकड़ के और इसका पानी निकाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छलनी की सहायता से इसका पानी सारा निकाल दिया है और बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं बचा है और सिर्फ चावल बचे हैं। देखिए कितने बढ़िया चावल लग रहे हैं, गर्म है फिर भी ऐसे खिले खिले लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी चावल बनाओ एक बात का ध्यान रखो कि उसमें नींबू डाल दीजिए अगर आप पानी निकाल रहे हो तो। अगर आप पानी नहीं निकाल रहे हो, पानी को चावल के अंदर ही रख रहे हो, तो कम पानी के साथ बना रहे हो और चावल के अंदर ही छोड़ रहे हो, तो उसको हमारे यहाँ पे तो मांड बोलते हैं कि मांड के चावल बना रहे हो, तो आप इसमें घी डाल दीजिए, वो भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और बहुत ही बढ़िया चावल बनके तैयार होंगे। तो मैं चलो सर्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सर्व कर दिए हैं और बिल्कुल भी ये चावल चिपके नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे जो कोई दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप चैनल पे आते रहें और मेरी रेसिपी देखते रहें। तो ये देखिए, बाय बाय, मैं फिर मिलूंगी आपको एक अच्छे से ही रेसिपी के साथ।